सभी फाउंडेशन में और हम कल यहाँ पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम पढ़ रहे थे ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट है ना, ब्रायोफाइटा। चलो ब्रायोफाइटा को समझते हैं, आगे जानते हैं उसके बारे में, समझते हैं कुछ ब्रायोफाइट से। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, वीडियो तो ऑन करो। कहाँ हो, कोई दिख नहीं रहा? ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज जो ब्रायोफाइटा हैं, ब्रायोफाइटा, उन ब्रायोफाइटा के लिए अपन ने कल बात की कि सर वो थैलोइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों? थैलोइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन वो थोड़े से डेवलप्ड होते हैं किसके साथ में? एल्गी से थोड़े से डेवलप होते हैं बच्चों। तो जो एल्गी से थोड़ा सा डेवलप होगा, ठीक है, जो एल्गी से थोड़ा सा ज्यादा डेवलप होगा, तो इसलिए उनको एल्गीज के बाद रखा गया। तो ब्रायोफाइटा के बारे में कल हमने पढ़ लिया, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, नियर वाटर बॉडीज के प्रेजेंट होते हैं, इनका भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं इनके अंदर, लेकिन आप उन्हें लीफ या रूट नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने पढ़ा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, उन ब्रायोफाइट्स के पास में यूनिसेल्युलर रूट्स होते हैं या मल्टीसेल्युलर रूट्स होते हैं, रूट्स जैसे स्ट्रक्चर राइजोइड्स होते हैं बच्चों। और राइजोइड्स क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। किस चीज का एब्जॉर्प्शन करते हैं? न्यूट्रिएंट्स का। तो देखो सुनो बच्चों, सबसे पहले समझो, एक थैलस तो इस तरह का बच्चों, इस तरह का बना दो, ये एक थैलस है, मान लीजिए ये थैलस है। तो इस थैलस को हम क्या कहें, इसे प्रोस्ट्रेट कहें या इरेक्ट कहें? तो इसे इरेक्टाइल कह सकते हैं, इरेक्ट। इरेक्ट कह सकते हो बच्चों, ठीक है सर? प्लीज रिपोर्ट, रिपीट स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। बिल्कुल, अभी बात करेंगे ना स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट की। एक और चीज बच्चों, इसके अंदर अगर आप देखोगे, हाँ एक अगर इसको ऐसा कर देना, ये इस तरह से खड़ा हुआ है, सॉरी सॉरी, दिस इज प्रोस्ट्रेट बच्चों, मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा सा, प्रोस्ट्रेट, और ये कैसा होगा बच्चों? इरेक्ट। आपके एनसीईआरटी में दोनों वर्ड दिए हैं, प्रोस्ट्रेट का मतलब याद रखना बच्चों फैला हुआ, जमीन से चिपका हुआ होगा, और इरेक्ट का मतलब जो जमीन से ऊपर उठा हुआ होगा, उसे इरेक्ट कहेंगे। आप मॉसेस को देखोगे इरेक्ट, और जो लिवर बर्ड्स हैं वो मोस्टली कैसे मिलेंगे बच्चों? प्रोस्ट्रेट मिलेंगे। तो अपन इसको समझ सकते हैं। अब समझो बच्चों दूसरी बात, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की बात भी कर लेते हैं, आइए तो उसको हम सिंपली बहुत आराम से समझेंगे और उसमें क्या होगा। देखो सुनो बच्चों, देखिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक तो ये रहा हमारे पास एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर, मैं मार्किंग चेक की बात कर रहा हूं, इसे मान लीजिए आप लोग, ठीक है, एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर ये रहा, और इस थैलस लाइक स्ट्रक्चर पर क्या बन गया बच्चों? पहले पहले यहां पर बन गया है ये बन गया, ये ग्रीनिश कलर का है, ग्रीन कलर का है, ठीक है, और इसके ऊपर एक ऑर्गन बन गया जिसे अपन कह रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन, यानी इसको आप एंथ्रीडिया कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चा? एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, ठीक है बच्चों। ये कैसी कंडीशन है डॉक्टर इनोसेंट? हैप्लोइड कंडीशन है, हैप्लोइड है, हैप्लोइड गैमेटोफाइट, हैप्लोइड, हैप्लोइड कंडीशन, एंथ्रीडिया बन गया। इसके ही पास में एक और थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना,
एक और थैलस-लाइक स्ट्रक्चर बना चुका है, और इस थैलस-लाइक स्ट्रक्चर का कलर भी ग्रीन है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है। और इसके ऊपर एक ऑर्गन बन गया जिसको अपन ने क्या कह दिया बेटा, आर्किगोनिया। चलो मैं ऐसे बता देता हूँ, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आर्किगोनिया। ठीक है, तो क्या कहा गया, आर्किगोनिया। तो आर्किगोनिया क्या है, आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लिख लो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है एम्फीबिया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर बच्चों, यहां तक का समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो एक कैसा है बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक कैसा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहां पर इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड। तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। ठीक है बच्चों, तो यानी हैप्लॉइड स्टेज है, तो इसको अब इतने क्या हो रहा है बेटा, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स बन रहे हैं। तो ये तो मेल गैमेट बनाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूं इसे हटा देता हूं। ओके सॉरी, देखो ये इधर आएगा और ये भी इधर आएगा, तो एक तो क्या बनाएगा बच्चों, मेल गैमेट, मेल गैमेट्स, और एक क्या बना रहा है फीमेल गैमेट्स। तो बेटा गैमेट्स तो हमेशा कैसे होते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड। क्या बोलने वाले हो आप, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड होते हैं बच्चों। तो ये एन और ये भी एन, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड, इतना ठीक है। अब तो सर ये दोनों फ्यूज करेगा, तो फ्यूज करने के लिए ये बन गया एक थैलस, ठीक है थैलस है, और इस थैलस पर एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है कुछ, पहले जाइगोट बनेगा। देखो तो सर ये यहां से जब दोनों फर्टिलाइज कर लेंगे, ये लो दोनों फर्टिलाइज कर लेंगे, मेल गैमेट भी आ गया इसमें प्लस फीमेल गैमेट भी आ गया बच्चों इसमें, तो दोनों फर्टिलाइज कर लेंगे तो क्या कहोगे आप इसे, जाइगोट। बोलो भाई क्या कहोगे बच्चों, जाइगोट कहोगे। जो जाइगोट होते हैं, जो जाइगोट होता है बच्चों वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। तो चलो इसको 2n कर देते हैं। अभी तक जितनी भी कहानी आ रही थी वह हैप्लोइड की आ रही थी, अब यहां आकर के डिप्लॉइड हो गया, ये 2n जाइगोट 2n बना है। इतना क्लियर है बच्चों, तो हमें ये समझ में आ गया सर अब जाइगोट 2n हो गया है और वहां से हैप्लोइड बन के आए थे। अब क्या करेगा ये बेटा, माइटोटिक डिवीजन करेगा, माइटोसिस करेगा, बिल्कुल करेगा माइटोसिस। और माइटोसिस में क्या होगा बच्चों, अगर अब माइटोसिस करेगा, तो माइटोसिस करने के बाद देखो बच्चों यहां पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो वो कुछ इस तरह की होगी माइटोसिस के साथ। ठीक है बच्चों, ये तीन पार्ट, ये स्पोरोफिटिक कंडीशन, और इन्हें और इन्हें
दिख रही है आपको ये स्ट्रक्चर? हाँ, तो इस स्ट्रक्चर में ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बच्चों? कैप्सूल। इसको क्या कहेंगे बच्चों? सीटा। और इसको क्या कहेंगे बच्चों? फुट। बोलो, एक को क्या कहेंगे? कैप्सूल, एक को क्या कहेंगे? सीटा। और एक को क्या कहेंगे बच्चों? अपन फुट कहेंगे वाले हैं, ठीक है बच्चों? तो कैप्सूल, सीटा और फुट, क्लियर है बच्चों? तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि फुट, कैप्सूल और सीटा तीन स्ट्रक्चर बन गए। अब हम क्या करेंगे अपन? तो ये स्ट्रक्चर मियोसिस करेगा। अब ये जो कैप्सूल स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरोफिटिक स्टेज। लिख लो बेटा, स्पोरोफिटिक स्टेज। तो सर, इस स्पोरोफिटिक स्टेज को न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? ये थैलस दे रहा है बच्चा, ये इसी के ऊपर अटैच है। और यहां से स्पोरोफिटिक कंडीशन से इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों यहां पर? इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है स्पोरोफिटिक कंडीशन। आगे समझो इस चीज को। अब इस स्पोरोफिटिक कंडीशन में हम आगे समझते हैं इस चीज को, तो वो क्या क्या है सुनो। देखो, तो ये स्पोरोफिटिक कंडीशन है। इस स्पोरोफिटिक कंडीशन में आप क्या देखोगे बच्चों? कि यहां पर ये डेवलप हुआ। अब इसमें क्या होने वाला है? मियोसिस होगा बच्चों, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। सडनली मियोसिस शुरू हो जाएगा। लो, मियोसिस हो गया। अब मियोसिस होने के बाद वापस से हैप्लोइड स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे बच्चों। वापस कैसे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे? हैप्लोइड स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर, इसको एम्फ्रीडिया कह दीजिए, एक को आर्किगोनिया कह दीजिए। एक को क्या कह दोगे बच्चों? एम्फ्रीडिया कह दोगे। और एक को क्या कह दोगे बच्चों? आर्किगोनिया कह दोगे। तो ये वापस से हैप्लोइड कंडीशन आ गई, हैप्लोइड कंडीशन आ गई, वापस से हैप्लोइड। और हैप्लोइड से ये वापस हैप्लोइड बन ही रहा था। ये लो बच्चा, ये एक तरह का लाइफ साइकिल है। क्या है? लाइफ साइकिल है। अब इसमें देखो, गैमेटोफिटिक कंडीशन किस पर डिपेंड है? स्पोरोफिटिक पर। स्पोरोफिटिक थोड़ी देर के लिए ही आया, उसके बाद वापस मियोसिस शुरू कर दिया और हैप्लोइड कंडीशन समझ में आ गया। तो स्पोरोफाइट वो कंडीशन है जब 2n अवस्था होगी, और गैमेटोफिटिक वो कंडीशन है जिसमें n स्टेज होगा। बोलो बच्चों, कौन सी स्टेज होगी? n स्टेज होगी। क्लियर है क्या? बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? वापस से रिपीट कर रहे हैं या दोबारा से समझाओ, एक बार देख लीजिए आप लोग, बताओ। रिप्लाई करो बेटा कोई, कि क्या ये समझ में आ गया? गैमेटोफिटिक कंडीशन स्पोरोफिटिक कंडीशन पर डिपेंड है, और स्पोरोफिटिक कंडीशन में मियोसिस होता है, और मियोसिस से वापस से नया प्लांट, वो नया हैप्लोइड कंडीशन यहां पर बन जाता है। क्लियर है डॉक्टर इनोसेंट? एनी प्रॉब्लम? वी कैन प्रोसीड, आगे चले। चलिए आप सुनो, देखो सर, सबस्ट्रेटम मींस, बिल्कुल सबस्ट्रेटम का मींस समझ लीजिए। देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना अंतिम, दिस स्ट्रक्चर इज सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब होता है किसी चीज को आधार चाहिए। मैं फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा हूं, तो फर्स्ट फ्लोर की फ्लोर जो छत है उस पर मैं खड़ा हूं, तो ये मेरे लिए एक सबस्ट्रेटम हुआ ना। अगर ये फ्लोर ही नहीं होता तो मेरे लिए कोई सबस्ट्रेटम नहीं होता। फिर दूसरा, सबस्ट्रेटम हेल्पफुल भी हो कि सर ये इसको न्यूट्रिशन दे रहा है। तो बताओ बच्चों, ये जो गैमेटोफिटिक है, ये स्पोरोफिटिक जो कंडीशन है, स्पोरोफिटिक स्टेज लिख दिया आपने, यहां लिख रखा है, इस स्टेज को अपन यहां इस स्ट्रक्चर को सबस्ट्रेटम कह रहे हैं, सबस्ट्रेटम कह रहे हैं। बोलो बच्चों, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इसको ही सबस्ट्रेटम कह रहे हैं। सबस्ट्रेटम कह रहे हैं, अभी क्लियर बच्चों? इसको क्या कहा जा रहा है? सबस्ट्रेटम कह रहे हैं, किसी चीज के लिए आधार है, और उस आधार पर ये गैमेटोफिटिक कंडीशन, वापस से स्पोरोफिटिक कंडीशन डेवलप हुई, और उसमें मियोसिस होगा,
और वो बाहर चलेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है अब आपको एक चीज यहां तक की? आई होप विल बी क्लियर, बिल्कुल सही था ना। अब आगे चलिए, अब क्या समझने वाले बच्चों अपन यहां पर कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, उन ब्रायोफाइट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मॉसेस होते हैं उनमें फुट सीटा और कैप्सूल स्ट्रक्चर पाया जाता है। कैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा? फुट सीटा और कैप्सूल स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर छोटी छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनको स्पोरोफिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उनको? स्पोरोफिल्स भी कहते हैं। दोबारा तो ये एक बार समझ लिया आप लोगों ने कि सर ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स को आप प्लांट किंगडम के लिए उसमें एम्फीबियंस वर्ड यूज करते हैं। एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो फर्स्ट लैंड प्लांट है। कैसे प्लांट है बच्चों? फर्स्ट लैंड प्लांट है, और वो फर्स्ट लैंड प्लांट पहली बार जमीन पर आए और वो पानी के कॉन्टेक्ट में रहे। पानी के कॉन्टेक्ट में क्यों है बच्चों? क्योंकि ये जो गैमिट्स है ना, ये अपने आप नहीं मिल सकते, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल टाइप के हो गए। तो अब यहाँ क्या करना होगा, ये पानी का जो वेव होता है, पानी ही क्या करता है, इन दोनों को फ्यूज करवाता है, और जब ये फ्यूज होगा तभी तो जायगोटिक स्टेज बनेगी। तो इनको डिपेंड रहना पड़ता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसके ऊपर बेटा? पानी के ऊपर। इसीलिए इनको अपन एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्लियर बात यहां तक थी? दूसरा, ये खुद के बॉडी को अटैच रखते हैं पूरे सरफेस के साथ, थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ, और वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, इनको न्यूट्रिशन देता रहता है बेटा। क्या देता रहता है इसको? न्यूट्रिशन देता रहता है, जिसकी वजह से यहां पर इनको न्यूट्रिशन मिलता है। तो यहां पर फिर हमने देखा कि एक छतरी लाइक स्ट्रक्चर आता है अम्ब्रेला शेप का, जिसमें एक तो होता है एंथ्रीडिया और एक होता है बच्चों आर्किगोनियम। एंथ्रीडिया क्या बनाता है? मेल गैमेट। आर्किगोनियम क्या बनाता है? फीमेल गैमेट। ठीक है बच्चों, तो एंथ्रीडिया आर्किगोनियम दोनों बनाते हैं। इसके बाद देखो मेल वाले में एंथ्रोजोइड्स बनेंगे, और उसमें क्या बनेंगे बेटा? एग सेल्स। ये भी लिख लीजिए, मेल गैमेट कहां दिखाया हमने? ये रहा एंथ्रोजोइड्स, एंथ्रोजोइड्स, और इसमें आर्किगोनिया में क्या बनेंगे बच्चों? एग सेल। ठीक है, एक को तो क्या कहा अपन ने? एंथ्रोजोइड्स, और दूसरे को क्या कहा है बच्चों हमने? एग सेल। तो एग सेल और एंथ्रोजोइड्स मिले, मिलने के बाद दोनों का फ्यूजन हुआ, जायगोटिक बना। जायगोटिक स्टेज मल्टी सेलुलर हुई। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां तक ये कंडीशन है यूनिसेल्युलर, इसे भी मेंशन कर लो बेटा। ऐसे ही चीजें बाहर निकल के आती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं। यहां तक स्ट्रक्चर कैसी है? यूनिसेल्युलर, और उसके नीचे वाली स्ट्रक्चर कैसी है बच्चों? मल्टीसेल्युलर, क्योंकि एक से ज्यादा सेल्स बन गए ना, तो ये मल्टी सेल्युलर है। जायगोट टू एन सेल है, बट बेटा सिंगल सेल मानते हैं उसको, सिंगल सेल, डिप्लोइड सिंगल सेल, डिप्लोइड यूनिसेलुलर कह सकते हो आप जायगोटिक में। सेल एक ही है लेकिन गैमेट्स दो के फ्यूजन से बना है, इसलिए उसको 2n कहते हैं। क्या कहते हैं? 2n। और मोस्टली आप जायगोट में देखोगे कि सबसे पहले कंटिन्यूस जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है बच्चों? माइटोसिस। क्या होगा बच्चों? माइटोसिस होगा, और इसी माइटोसिस के बाद अगर आप देखोगे तो इस माइटोसिस के बाद ये एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जिसे हम सबस्ट्रेटम कह रहे हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं बच्चों? सबस्ट्रेटम कह रहे हैं, और इस सबस्ट्रेटम पर ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जिसको आप मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कह रहे हो, जिसको कैप्सूल, सीटा और फुट में डिवाइड किया गया है। बोलो बच्चों किस किस में डिवाइड किया गया है? कैप्सूल, सीटा एंड फुट। ठीक है, तो फुट, सीटा एंड कैप्सूल, और कैप्सूल में क्या होने वाला है? मियोसिस। क्या होने वाला है बच्चों? मियोसिस। और उस मियोसिस के बाद आप देखोगे कि इसके अंदर यहां पे आगे की ओर ऐसा डेवलपमेंट होता है। तो इसे आप लाइफ साइकिल कह सकते हो ब्रायोफाइटा की। लिख लो बच्चों, ब्रायोफाइटा लाइफ साइकिल। क्लियर है यहां तक की बात बेटा?
ब्रायोफाइटा लाइफ साइकिल। अब आगे चलते हैं बच्चों अपन और आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो सबकी तरफ से एक बार थम्स अप हो जाए, फिर चलते हैं बच्चों। ओके थैंक यू। तो देखो बच्चों आप समझिए, सबसे पहले एक चीज समझिए आप लोगों को कि अपन क्या करेंगे। अब यहां देखो आप लोगों ने स्ट्रक्चर दिखा होगा, ठीक है। आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगी ना बेटा, वहां एक डायग्राम दिया गया, देखो सब यहां से स्पाइरली लीव्स दिख रही है बेटा थोड़ी थोड़ी। यस देखो जो इसके अंदर आप लोग देख रहे हो, वेर यूर एनसीईआरटीज, ये देखो जो ये देखो, ये कुछ लीफ लाइक आपको स्पोरोफिल्स दिख रहे हैं। देखो ये क्या लग रहा है बेटा, ये यहां पर थोड़े थोड़े स्पोरोफिल्स दिख रहे हैं। अब यहां देखो आप, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको राइजोइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों को, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को राइजोइड्स। ठीक है बेटा, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स और ये क्या है बच्चों, इन्हें आप स्पोरोफिल्स भी कह सकते हो। और वो है बेटा कैप्सूल, सीटा सीटा और फुट। अब देखो बच्चों इसमें आप लोगों को दो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे,
एक तो स्पोरोफिटिक कंडीशन है और एक गैमेटोफिटिक कंडीशन है, यस या नो? कोई आंसर करेगा बेटा? एक स्पोरोफिटिक कंडीशन है और एक कैसी कंडीशन है बेटा? गैमेटोफिटिक। कितने लोगों को पता है? नहीं पता तो हम बताते हैं। यस, हिमांशु को पता है। हिमांशु वेयर आर यू? कहां है आपकी एनसीईआरटी? दिखाओ देख। हाँ अंतिमा, वेयर योर एनसीईआरटी? शो मी। देखो इसमें बेटा एक स्पोरोफिटिक कंडीशन है और एक कैसी कंडीशन है? गैमेटोफिटिक कंडीशन है। क्या एनसीईआरटी है? चलो तो इसके अंदर डायग्राम में आप देख पा रहे हो तो बेटा, हाँ बर्फ भी गिरने लगी ना, अब तो बर्फ गिर रही है, ठीक है। तो स्पोरोफिटिक कंडीशन और एक गैमेटोफिटिक कंडीशन है, दो कंडीशन है बच्चे। तो उसमें कैसे कैसे देखेंगे अपन? तो ये वाली कंडीशन को आप क्या कह दो? दिस कंडीशन इज विल बी कॉल्ड स्पोरोफिटिक। देखो इसमें साथ साथ है इसलिए मोर्सेज बढ़िया है ना। तो यहां पर दोनों साथ साथ दिख रहे, इसको क्या करें? स्पोरोफिटिक स्टेज। ये लो क्या कह रहे हैं भैया? इसको स्पोरोफिटिक स्टेज कह रहे हैं और इनको क्या कह रहे हैं भैया? अपन गैमेटोफिटिक स्टेज। इनको क्या कह रहे हैं? गैमेटोफिटिक स्टेज। अब याद होगा आप लोगों को कल कि जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे तो उसमें जो राइजोइड्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो मल्टी सेलुलर थे या यूनिसेलुलर थे बच्चों? कैसे थे? मल्टी या यूनिसेलुलर? मल्टी सेलुलर थे। लेकिन यहां जो राइजोइड्स होंगे वो कैसे स्टेज के होंगे बेटा? यूनिसेलुलर होंगे। कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। तो यहां राइजोइड्स भी प्रेजेंट है सर, ये राइजोइड्स लिख रखा है हमने, आवाज लिख रखा है। ये जो राइजोइड्स है बेटा यूनिसेलुलर है, लिख लीजिए आप यूनिसेलुलर। कैसा है बच्चों? यूनिसेलुलर राइजोइड्स है यहाँ पे, ठीक है। और हैप्लोइड ही लीव्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर से स्पोरोफिल्स जिनको हम कह रहे हैं, है ना। और ऊपर कैप्सूल स्पोरोफिटिक कंडीशन है। कैसी कंडीशन है बच्चों? स्पोरोफिटिक कंडीशन है जिसके अंदर अपनी इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है बच्चों? वही चीजें हैं यहां पर भी देखने के लिए। तो स्पोरोफिटिक कंडीशन में जब मैच्योर होगा, डेवलपमेंट होगा, तो स्पोरोफिटिक ये हैप्लोइड कंडीशन स्पोरोफिटिक कंडीशन बनाएगी और यहां से हैप्लोइड गैमेट्स बनेंगे और वो वापस से रिलीज कर दिए जाएंगे। तो पहले हैप्लोइड कंडीशन बनेगी, फिर उसके बाद कैसी कंडीशन बनेगी बच्चों? स्पोरोफिटिक कंडीशन। किस चीज का डायग्राम है ये अंतिम बताओ? हिमांशु किसका डायग्राम है ये? अनीशा कोई बताओ ये डायग्राम किसका है बच्चों? फ्यूरेरिया। बिल्कुल सही, हिमांशु ने सही आंसर दिया, फ्यूरेरिया। अच्छा ठीक है ठीक है, सबने ये सही आंसर दिया है, फ्यूनेरिया। किसका है बच्चों ये डायग्राम? फ्यूनेरिया का, ठीक है। और फ्यूनेरिया किस में आते हैं? मोसेस में आते हैं, नॉट लीवर बर्ड्स में आते हैं। लीवर बर्ड्स जिनमें लीवर शेप की लीव्स होती हैं और जो फैल जाती है जमीन के ऊपर, हम भी फैल गए ऐसे, ठीक है। और फ्यूनेरिया खड़े हो गए, ठीक है बच्चों। तो देख पा रहे हो ये, आप अभी इनको देख के थोड़ा थोड़ा लगता है, सर आप क्या कह रहे हो? प्लांट लाइक स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, अरे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तभी तो प्लांट किंगडम में मेंशन किया गया है। लेकिन इसमें कंप्लीट प्लांट जैसे कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि याद करो इसके पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गन तो है भाई। ये लीव्स क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं। आपको पता है, आप लोगों ने कभी सुना है, चलो मुझे बताओ एक चीज बताओ, हम जब जीरोफिटिक प्लांट्स देखते हैं, कौन से प्लांट देखते हैं बच्चों? जीरोफिटिक प्लांट्स देखते हैं। तो जब जीरोफिटिक प्लांट्स देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब एडवर्स कंडीशंस आती है, डिफरेंट कंडीशंस आती है, तो बेटा उनकी सारी लीव्स खत्म हो जाती है और कुछ लीव्स तो स्पाइन कांटों में बदल जाती है। बदल जाती है कि बदल जाती है? हाँ सर बदल जाती है। जब एडवर्स कंडीशन होती है, जब बारिश नहीं होती है, गर्मी बहुत ज्यादा तेज होती है, तब भी वो प्लांट ग्रो करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, पोपेंशिया, कैक्टस, ठीक है,
है ना, क्यों कर लेते हैं बच्चों ये वाले प्लांट ऐसे ग्रो, पता है आप लोगों को उसके पीछे का रीजन? नहीं। आपको पता है, आपने कभी सुना है? अच्छा, फोटो मेन फोटोसिंथेसिस कौन करता है? मैक्सिमम लीव्स करती है। कौन करती है? लीव्स, पत्तियों के द्वारा होता है। लेकिन लेकिन जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टेम भी करता है। कौन करता है बच्चों? स्टेम, याद रखेगा, स्टेम भी करता है। कौन से प्लांट्स में करता है? जीरो फिटिक प्लांट्स में। जीरो फिटिक प्लांट्स में कौन करता है बच्चों? स्टेम करता है। और स्टेम क्या करता है जीरो फिटिक प्लांट्स में? जीरो फिटिक प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करता है। लिख लीजिए, स्टेम करता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करता है। अब ये यहां पे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बेटा इनका जो ग्रीनिश पार्ट है, जितना भी ग्रीन वाला पार्ट है, वो सब फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा बच्चों? सारा का सारा पार्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। और इन फोटोसिंथेसिस की वजह से अपन यहां देख पाएंगे कि ये कुछ इसलिए हाईली डेवलप हो जाते हैं। आगे से जो बच्चों, अब यहां क्या समझ में आना चाहिए स्लाइड से अपन को? अभी हमने एक लाइफ साइकिल देखी, तो उस लाइफ साइकिल में अपन को क्या लग रहा था कि एक तो हैप्लोइड यानी गैमेटोफिटिक कंडीशन है। गैमेटोफिटिक कंडीशन है, ठीक है, गैमेटोफिटिक कंडीशन है। ओके बच्चों, अब जो गैमेटोफिटिक कंडीशन है इसके बाद, अच्छा आपको पता है बेटा जो गैमेटोफिटिक कंडीशन है, इस गैमेटोफिटिक कंडीशन में गैमेट्स कैसे होंगे? हैप्लोइड। कैसे होने वाले हैं? हैप्लोइड होने वाले। तो इस हैप्लोइड गैमेटोफिटिक कंडीशन में ये कुछ टाइम के लिए कौन सी कंडीशन में चला जाएगा? स्पोरोफिटिक। तो ये आ गया भाई स्पोरोफिटिक कंडीशन में। तो गैमेटोफिटिक भी n थे और स्पोरोफिटिक भी कैसे है भैया? 2n, क्योंकि दो एन मिलकर के एक 2n बनाएंगे, तो एक स्पोरोफिटिक कंडीशन बन जाएगी। कैसी कंडीशन बन जाएगी बच्चों? स्पोरोफिटिक। अब ये स्पोरोफिटिक कंडीशन से वापस किस में चेंज होंगे? गैमेटोफिटिक कंडीशन में। तो ये फ्री डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। गैमेटोफिटिक कंडीशन स्पोरोफिटिक कंडीशन पर डिपेंड है, ठीक है। तो यहां पर गैमेटोफिटिक कंडीशन भी देखने को मिलेगी, स्पोरोफिटिक। लेकिन जो कंडीशन मैक्सिमम रहती है लाइफ में उसे उसकी स्टेज कहते हैं। देखो सुनो, सपोज कीजिए मैं एक टीचर हूं, है ना। अब कोई मैजिशियन क्या करे, मुझे क्या बना दे? हाँ, एक मैजिशियन मुझे, मान लीजिए मुझे एक लॉयन बना दे, सपोज यस, ठीक है, ठीक है। एक मैजिशियन ने मुझे लॉयन बना दिया। अब मेरी मेन स्टेज ये वाली थी, कुछ देर के लिए उसने मुझे लॉयन बना दिया, और फिर वापस से लॉयन के बाद वापस से मुझे बना दिया। तो बताओ मेरी मेन स्टेज कौन सी रहेगी, लॉयन या मैं खुद? खुद मैं रहूंगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो मैं मेरी इसी वाली स्टेज पे सर्वाइव कर रहा हूं। तो ऐसा ही ये प्लांट के साथ है। हम बड़ा कंफ्यूज कर लेते हैं कई बार, सर गैमेटोफिटिक कंडीशन कब आती है, स्पोरोफिटिक कब आती है? बेटा जैसे ऋतु आती है, जैसे सीजन आते हैं, ऐसे इनका भी दिन आता रहता है, और वो दिन बाद में बदल जाते हैं, पतझड़ वतझड़ सब आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि गैमेटोफिटिक कंडीशन के बाद स्पोरोफिटिक लिटिल मोर टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए आएगी। अभी जैसे देखो बारिश होगी, बारिश के बाद स्प्रिंग सीजन आपने देखा होगा, जैसे बारिश है, बारिश के बाद सारे पेड़ हरे हरे हो जाएंगे पूरे के पूरे, क्योंकि पानी मिल गया ना प्लांट्स को। अब उसके बाद आप थोड़े दिन बाद जब देखोगे आगे, तो उनसे फूल निकल आएंगे, तो फूल निकल आएंगे तो उसके बाद वो कैसे फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फिर वापस से डॉर्मेंट स्टेज में चले जाएंगे गर्मियों के दिन जब चले जाएंगे। तो इसका मतलब गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक कंडीशन आती है, लेकिन कितने समय के लिए आती है बच्चों? थोड़े से समय के लिए आती है। तो जब वो थोड़े से समय के लिए आती है तो उसको अपन शॉर्ट पीरियड कहेंगे। इसको कहेंगे शॉर्ट पीरियड,
शॉर्ट पीरियड, ठीक है बच्चों, और इसको अपन क्या कह रहे हैं, लॉन्ग पीरियड, इसको लॉन्ग पीरियड कह रहे हैं। तो अब आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन पूछे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि विच स्टेज ऑफ ब्रायोफाइट्स मेन स्टेज, तो अब आपको आंसर करना है गैमेटोफिटिक स्टेज। क्या आंसर करना है बच्चों आपको, गैमेटोफिटिक स्टेज, ठीक है। स्पोरोफिटिक आती है लेकिन लिटिल मोर, बस छोटे से टाइम के लिए आती है, याद रखिएगा बच्चों, क्लियर है यहां तक का, ठीक है। अब आगे समझते हैं अपन, तो यहां पर मेन स्टेज ये हुई, मेन स्टेज ये हो गई बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद सुनो, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके कई सारे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के ब्रायोफाइट्स की अगर अपन बात करें, तो आप लोगों ने ब्रायोफाइट्स को सबसे पहले मैंने क्या कहा कि वो वहां पाए जाते हैं जहां पानी बहता हो, झरना बहता हो या कोई नदी बहती हो, तो उसके जस्ट दोनों कॉर्नर्स पर क्या पाए जाते हैं बच्चों, यहां पर ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं ना। अब जो वो ब्रायोफाइट्स हैं वो क्या करते हैं, वहां से मिट्टी को बहने से रोकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सोइल इरोजन को रोक लिया उन लोगों ने, आप लोग एनसीईआरटी में देखते हो उसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है कि वो सोइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करते हैं, यस या नो। तो वहां से मिट्टी बाहर नहीं जा पाएगी, तो सोइल इरोजन को करने का काम करते हैं, इसके साथ ब्रायोफाइट्स को देखते हैं। दूसरा, जो मैक्सिमम ब्रायोफाइट्स होते हैं एज ए रीड भी यूज किए जाते हैं चारे के थ्रू, तो जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और वो एनिमल्स इनको अपने भोजन के रूप में भी खा जाते हैं, ठीक है। किनको खा जाते हैं बच्चों, ब्रायोफाइट्स को खा जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को खा जाने के बाद क्या होगा, इसके अंदर वापस से वो ग्रो कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ आगे चलते हैं, अब देखो सुनो, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक का मेन फंक्शन समझ में आएंगे, ज़ेरोफिटिक प्लांट्स, ऐसा कोई एनिमल बना बताओ जो कभी पानी ना पीता हो, है किसी के पास, नो आइडिया, ठीक है। इसका आंसर कल करना है आप लोगों को कि विच एनिमल जो कभी पानी नहीं पीता है, कभी भी पानी नहीं पीता अपनी ऑल लाइफ, हमेशा के, ठीक है बच्चों। आज इतना ही करते हैं अपन, आगे कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स अगर इसमें से रहे हैं तो उनको कवर कर लेंगे, और फिर आगे हम टेरिडोफाइट्स की तरफ पढ़ेंगे अगली क्लास, ठीक है। थैंक यू, बाय।